एवरीवन, पीएम श्री स्कूल्स विच मीन्स PMSHRI स्कूल्स फिर से न्यूज में एक बार छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। टीचर्स डे 2022 5th of September 2022 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को इनोग्रेट किया था। बेसिकली इट्स नोन एज पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। क्या है ये स्कीम, एक बार डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस स्कीम में कुछ 14,500 स्कूल को रिवैम्प किया जाएगा और उन्हें एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। मॉडल स्कूल मतलब ऐसा समझ सकते हैं किसी अदर स्कूल्स के लिए। अच्छा, ये बात गवर्नमेंट स्कूल्स की हो रही है, इट मीन्स किसी अदर स्कूल्स के लिए एक रोल मॉडल की तरह बिहेव करेगा। इससे पहले हम थोड़ा सा एक सेगमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज पीएम श्री स्कूल्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्टेजेस जो डिवाइड किए गए थे वो चार स्टेज डिवाइड किए गए थे। क्या था स्टेज? फर्स्ट दैट इज फाउंडेशन स्टेज, जो कि प्री टू फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड के लिए था। स्टेज सेकेंड दैट इज प्रिपेरेटरी स्टेज, जो कि थर्ड टू फिफ्थ ग्रेड के लिए था। स्टेज थर्ड दैट इज मिडिल स्टेज, जो कि सिक्स टू एट्थ क्लास के लिए था। एंड स्टेज फोर दैट इज सेकेंडरी स्टेज, और ये था नाइन्थ टू ट्वेल्थ के लिए। अब इस स्कीम में क्या है ये स्कीम बेसिकली, कि सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो स्कीम है ना वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, विच मीन्स अगर इन जनरल बात करें तो स्कीम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर प्लस स्टेट दोनों का होता है, लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ सेंटर का होता है। मतलब वो पूरा स्कीम सेंटर द्वारा रन किया जाता है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में एक डिवीजन होता है कि भाई इस स्टेट के लिए इतना सेंटर देगा और इतना स्टेट गवर्नमेंट देगी उस स्कीम में अपना पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली मैंने जैसा कि बताया कि ये स्कीम पार्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। इसमें क्या किया जाएगा बेसिकली, इसमें स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखा जाएगा। दैट मतलब कि स्टूडेंट के रोट लर्निंग को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, स्टूडेंट की कॉन्सेप्ट लर्निंग को और भी अदर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स लर्निंग, लर्निंग आउटकम्स, इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्सेट्रा, जितनी भी ऐसी चीज़ें जो किसी भी एक स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए मोर वायबल बनाएंगी, उसके लिए इस स्कीम को लाया गया है। कुछ इसमें 14,500 स्कूल्स को इंक्लूड किया गया है। तो एक बार देख लेते हैं, बेसिकली दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अनाउंस बाय 2022। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन 2022-23 से लेकर के 26-27 तक का है। इज एलिजिबिलिटी का क्या है, ऐसा स्कूल दैट इज रन बाय सेंटर स्टेट यूनियन टेरिटरीज लोकल बॉडी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। इनफैक्ट इस स्कूल में केंद्रीय विद्यालय, इस स्कीम में केंद्रीय विद्यालय और JNV को भी इंक्लूड किया गया है। कंपोनेंट को बात करें तो ये कंपोनेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। रेशियोज की बात करें तो 60-40 का रेशियो यूनियन और स्टेट के बीच, लेकिन 90-10 का सर्टेन केसेस में लाइक हिली टेरेन स्टेट्स। टोटल स्कूल्स कितने इसमें आएंगे, 14,500 स्कूल्स। इसमें जो भी स्टूडेंट होंगे उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट वाइज लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।